अच्छा एक क्वेश्चन ये भी एक बच्चे ने पूछा, ठीक है, ये क्वेश्चन क्या है। अ मैन बॉट 27 टेबल्स फॉर रुपीज 5940 एंड सोल्ड देम एट अ गेन इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 5 टेबल्स। यू हैव टू फाइंड द गेन परसेंट। ओके अच्छा सी हियर, अ मैन बॉट 27 टेबल्स, सो सीपी ऑफ 27 टेबल्स इज गिवन टू यू। ओके व्हाट इज गिवन टू यू, द सीपी ऑफ 27 टेबल्स, ठीक है, सीपी ऑफ 27 टेबल्स इज हाउ मच, 5940 एंड सोल्ड देम एट अ गेन, एंड गेन इज गिवन टू यू, गेन इज इक्वल टू नथिंग बट एसपी ऑफ 5 टेबल्स, ठीक है। यू हैव टू फाइंड गेन परसेंट। सी नाउ बिकॉज द गेन टोटली डिपेंड्स ऑन एसपी, सो लेट एसपी ऑफ 1 टेबल, एसपी ऑफ 1 टेबल, इफ यू हैव टेकन एसपी ऑफ 1 टेबल एक्स रुपीज, सो वट विल बी द एसपी ऑफ 5 टेबल्स। एसपी ऑफ 5 टेबल्स विल गोइंग टू गिव यू 5x एंड दैट इज नथिंग बट गेन। ये तो गेन है। ओके नाउ एसपी ऑफ 5 टेबल्स इज 5x, एसपी ऑफ 5 टेबल्स इज इक्वल टू 5x आ गया। अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, एसपी आ गया है तो यहाँ से हम लोग एसपी ऑफ 27 टेबल्स भी निकाल सकते हैं। एसपी ऑफ 27 टेबल्स विल गोइंग टू गिव मी हाउ मच, 27x। ओके तो एसपी भी आ गया। अच्छा अब एसपी तो हमें इन टर्म्स ऑफ एक्स दिया है, गेन भी आपको इन टर्म्स ऑफ एक्स दिया है, बट सीपी आपको इन टर्म्स ऑफ आपको वैल्यू दी है। आप चाहो तो यहाँ से सीपी निकाल सकते हो। हाउ यू विल कैलकुलेट सीपी, अब आपको पता है क्योंकि गेन परसेंट गेन हो रहा है, आपको पता है एसपी माइनस सीपी विल गोइंग टू गिव यू गेन, गेन विल गोइंग टू बी नथिंग बट एसपी माइनस सीपी। ओके सो सीपी विल गोइंग टू बी नथिंग बट एसपी माइनस गेन। ओके सो एसपी इज हाउ मच, 27x माइनस गेन इज हाउ मच, 5x। तो सी पी इज इक्वल टू सी पी ऑफ 27 टेबल्स आ जाएगा 22x। ओके अब सी नाउ, अब आप चाहो, अगर आप चाहो तो इस सी पी को आप इक्वेट कर सकते हो इस सी पी से, उससे क्या होगा, एक्स आ जाएगा, एक्स आ जाएगा, गेन आ जाएगा, गेन आ जाएगा, सी पी आ जाएगा, सी पी आ जाएगा, यू कैन इजिली कैलकुलेट गेन परसेंट। लेकिन मैं क्या चाहता हूँ आपसे, क्योंकि ऑलरेडी सी पी इज गिवन टू यू, गेन इज गिवन टू यू 5x, सो इंस्टेड ऑफ कैलकुलेटिंग एक्स डायरेक्टली यूज द फॉर्मूला ऑफ गेन परसेंट, क्योंकि एक्स और एक्स निकाल एक्स को निकालने की जरूरत ही नहीं, वो तो कैंसिल हो जाने वाला है। सो गेन परसेंट इज इक्वल टू गेन अपॉन सी पी इन 200, दिस वी आर अवेयर ऑफ, गेन हमारा 5x है, सी पी हमारा 22x है इन 200, तो एक्स निकालने की जरूरत क्या है, एक्स निकालने की तो जरूरत ही नहीं है। ओके एक्स से एक्स कैंसिल, दिस विल बी 50, दिस विल बी 11। ओके एंड इट विल गोइंग टू गिव यू 250 अपॉन 11%। ओके और इसको आप मिक्स फ्रैक्शंस में लिख लीजिए, 2s are 22, 23, 24, 25, 30, अगेन 11, 2s are 22, रिमाइंडर इज 8 बस। सो 22 पॉइंट जो बच्चे कह रहे हैं इट्स करेक्ट, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 11 22 टाइम्स, रिमाइंडर इज 8, 22 8 अपॉन 11% विल बी द राइट आंसर, वेरी इजी, ठीक है, बहुत आसान सवाल है। आप चाहो तो एक्स निकाल सकते हो बट इट विल कंज्यूम मोर टाइम। एक्स निकालने की यहाँ पर जरूरत क्यों नहीं है, क्योंकि एक्स सी यहाँ पर फ्रैक्शन जो है ना, हमारे पास गेन और सी पी दोनों में एक्स है जो कैंसिल जाने वाला है, तो एक्स निकालने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अगर आप एक्स निकालेंगे तब भी आंसर आएगा, बट इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम।